नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट में राजस्थान बना चैंपियन, बूंदी जिले के खिलाड़ियों ने दिखाया जलवा। राजस्थान दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के बैनर तले गुजरात के सूरत शहर के पर्वत ग्राम नामक शहर में तीन राज्यों के व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 25 फरवरी को किया गया। राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र की टीमें इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। DCCBI के चेयरमैन रमेश सरताप ने बताया कि आयोजन SMC क्रिकेट ग्राउंड पर्वत ग्राम महानगर पालिका के द्वारा आयोजित कराया गया। राजस्थान टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पहले मैच में गुजरात के द्वारा दिए गए 234 रनों के लक्ष्य को मात्र 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जिससे सीधे फाइनल में पहुंच गए, जहां राजस्थान का मुकाबला महाराष्ट्र के साथ हुआ, जिसमें राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए। जवाब में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, मगर मिडिल ओवरों में 3 बल्लेबाजों के रन आउट होने के कारण महाराष्ट्र टीम 20 ओवरों में 6 विकेट पर 189 रन पर बना पाए। इस तरह मुकाबला 6 रन जीतकर इतिहास रच दिया। बूंदी जिले के इस टीम में लोकेश कुमार मीणा ने शानदार गेंदबाजी की और बल्ले से भी बेजोड़ दिखाया। धनराज प्रजापत और राजू बंजारा का भी अहम योगदान रहा। धनराज जाटव इस टीम के सहायक कोच रहे। राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान रहमान खान, मोइन खान उप कप्तान, लोकेश कुमार मीणा, धनराज प्रजापत, राजू बंजारा, राम खिलाड़ी मीणा, साकिर खान, रामलाल, राकेश, भरत पवार, नरेंद्र सहायक कोच, धनराज जाटव